भिवंडी के शांति नगर पुलिस की हो रही है प्रशंसा। विशेष तौर पर आपको बता दें कि आज भिवंडी पुलिस परिमंडल 2 के डीसीपी योगेश चौहान के नेतृत्व में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें हम आपको बता दें कि शांति नगर पुलिस स्टेशन ने पिछले कई दिनों से जाल बिछाकर शातिर आरोपियों को गिरफ्तार के बाद उनके पास जो माल जब्त हुआ था चोरी का, उसका खुलासा करते हुए डीसीपी योगेश चौहान ने क्या काम आपको जरूर सुनाएंगे। आपको बता दें कि जिसमें 100 मोबाइल जिसकी कीमत 15 लाख बताई गई, तो वहीं पर आधा किलो चरस जिसकी कीमत 4,95,000 बताई गई, तो वहीं पर जाली नोट बनाने वाली मशीन को भी शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने जब्त किया, जिसके पास 1,05,000 की जाली नोट मशीन द्वारा जो बनाई गई थी उसे भी जब्त किया गया। ऐसे में हम आपको बता दें कि शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राउत के मार्गदर्शन में वहां पर कार्य करने वाले इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले विशेष तौर पर किरण कुमार कबाड़ी, विक्रम मोहिते, रविंद्र पाटिल, नीलेश जादव, सेड़के तुषार ओड़े सहित और कई पुलिस कर्मचारी इस गुत्थी को चुलझाने में लगे हुए थे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि 3 आरोपियों को शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने धर दबोचा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीसीपी योगेश चौहान वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने पूरी जानकारी। ऐसे में आपको बता दें कि शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारी कर्मचारी वहां पर उपस्थित थे। डीसीपी योगेश चौहान की उपस्थिति में विशेष तौर पर आपको बता दें कि जो 100 मोबाइल वहां पर चोरी किए गए थे, जो इनका ये मोबाइल था, उनका मोबाइल डीसीपी योगेश चौहान और शांतिनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के हाथों सौंपा गया, जहां आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर एक उत्साह, एक जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सभी लोगों ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों का आभार प्रकट किया। ऐसे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यानी कि जानकारी देते हुए भिवंडी पुलिस परिमंडल 2 के डीसीपी योगेश चौहान ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है। उसमें 2-3 साल पहले के मोबाइल लगभग 100 के करीब मोबाइल थे, वो मोबाइल हमने ताबे में रिकवर करके अलग अलग गुने से या अलग अलग जहाँ पे मिले हमें, तो इस हिसाब से टोटल हमने 100 गुने जो है 100 मोबाइल है वो जब्त किए और अभी आपके सामने अभी उसका वितरण किया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि लगभग जो लोग जिन्होंने आशा छोड़ दी कि भाई मोबाइल मिलेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सूझबूझ के साथ हमारे डीपी के सभी ऑफिसर है, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर ने बढ़िया काम किया है, क्राइम किया है, हमारे एडमिन ने किया है। लगभग 15 लाख रुपये करीब कीमत का पूरा माल था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद दूसरी एक बड़ी कामयाबी ऐसी हासिल हुई कि अहमद नाजम नासिक करके है, प्रभु आर्य में भिवंडी में जो रहता है, तो ये बनावट जो डुप्लीकेट नोट बनाने का काम करता था, वो ऐसी इंफॉर्मेशन मिली 500 रुपये के करीब के, जो ज़्यादातर 500 रुपये के नोट और बाकी 100 के 200 ऐसे इस तरीके से वो बना के उसके साथ में और एक दो लोग थे, तो ऐसी इंफॉर्मेशन मिली वो साई प्रेम होटल साई बाबा मंदिर के सामने कल्याण रोड पे कि भाई बेचने के लिए ये देने के लिए ये हमारे रविंद्र पाटिल को ऐसा इनको इंफॉर्मेशन मिली और हिसाब से सब ट्रैप लगा के और 22/9/21 को परसों के दिन ये कार्रवाई की है। और उसमें ये जो नाजम अहमद नाजम नासिक कर है उसको 32 साल का है, तो इसको लगभग जो 500 के जो बंडल है, दो बड़े बंडल किए हैं 1,00,000 रुपये के और 10,000 रुपये कीमत का एक ओप्पो मोबाइल जो है वो भी ताबे में लिया है। वो हिसाब से जो है कार्रवाई की है, CR नंबर 644/21 के तहत IPC की धारा 400/489/489C और 34 के तहत गुना शांतिनगर पुलिस स्टेशन दर्ज किया है। तो यहाँ और ज़्यादा छानबीन करने के बाद उसके साथ में जो है कि भाई ये अकेला नहीं कर सकता और दूसरा आदमी है उसके साथ में, तो जो है वो मोहम्मद शफीक अशफाक अहमद अंसारी, वो भी भिवंडी का रहने वाला है, उम्र उसकी 35 साल है, उसको भी अरेस्ट किया है और उसकी तरफ से जो है 1,19,500 रुपये की और 2,000 कीमत का मोबाइल इस तरीके से पूरा जब्त किया है। वो जो सब सामान था, लैपटॉप था, प्रिंटर था, लैमिनेटर जो था, ये डुप्लीकेट जो चलन है, ये नोट बनाने का जो काम कर रहे थे, प्रिंटिंग का कागज़ था, वो सब सॉफ्टवेयर था। तो ये जो चेतन एकनाथ मिस्त्री, उम्र 41 साल है, ये भी निज़ामपुरा सेक्शन में रहता है, तो उसके ही घर से ये सब जो है जो था। तो ये जो चेतन एकनाथ मिस्त्री, उम्र 41 साल है, ये भी निज़ामपुरा सेक्शन में रहता है, तो उसके ही घर से ये सब जो है जो सब बनाने का जो सामान है वो सब जब्त किया है, वैसा पंचनामा किया है।
तो ये बहुत बड़ी कामयाबी शांतिनगर पुलिस स्टेशन को मिली है। लगभग 500 के ऐसे 39,180 का पूरा जो सामान है वो उसकी कीमत है वो मिला है, और इसमें ये एक बड़ी कामयाबी मिली। और तीसरा ये है कि 16/9/2021 को नामे सुमेल अंसारी सबका होटल के सामने भारत कंपनी चरस बेचने के लिए आने वाला था, ऐसी इन्फॉर्मेशन ESI शेल के जो है इनको मिली हमारे शांतिनगर पुलिस स्टेशन के, और हमारे अफसर और कर्मचारी जो है वहाँ पे गए और ट्रैप लगा के उसको सुमेल मुश्ताक अंसारी को ताबे में लिया, और उसके यहाँ से 490 ग्राम जो है वजन का चरस जो है बरामद किया है। उसकी कीमत लगभग 4,90,000 है, और 5,000 रुपये कीमत का वीवो कंपनी का मोबाइल, ऐसे 4,95,000 का मुद्देमाल जो है वो सब जब्त किया है। और ये इसमें 633/21 के तहत NDPS एक्ट के तहत ये मामला शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। बहुत ही अच्छी कामयाबी ये शांतिनगर पुलिस स्टेशन को और भिवंडी जोन में हुई है, और इस सब में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जो शीतल राउत साहब है उनका अहम भूमिका है। उन्होंने बहुत अच्छे इसमें जो उनके साथी है PI क्राइम किरण कबाड़ी, PI जो एडमिन है विक्रम मोहिते, PSI रविंद्र पाटिल, PSI नीलेश जाधव, PSI शेल के पुलिस हवलदार चौधरी, पुलिस नायक इथापे, पुलिस नायक वड़े, पुलिस नायक जाधव, पुलिस नायक पाटिल, पुलिस नायक काकड़, पुलिस नायक सैयद, पुलिस नायक शिंदे, पुलिस सिपाही मोहिते, पुलिस सिपाही इंगड़े, पुलिस सिपाही पाटिल, पुलिस सिपाही सानम, पुलिस सिपाही चौहान, और ये सभी लोग, और ये हमारे जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं ताठे करके विविधाइन, सभी लोगों ने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। इसी का नतीजा है कि आपके सामने दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा अच्छा डिटेक्शन ये हुआ है, नहीं तो ये ऐसे लाखों करोड़ों रुपए छापते थे और आगे जाके हमारे चलन में आते थे और बहुत बड़ा ये क्राइम होता था। उसके पहले ही इनको धर दबोच लिया गया है, और इनमें और जो है 28 तारीख तक ये जो लोग है इनको जिन्होंने इस तरीके से डुप्लीकेट नोट पर 28 तारीख तक PC मिली है, और ये PC में भी और कुछ आगे जाके जो जानकारी मिलेगी और इससे कई जुड़ी तारे होंगी तो उनके छानबीन हमारे जो आए हो इसमें विक्रम मोहिते ये कर रहे, तो आगे जाके इसमें और बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा, ये सभी लोगों को सभी अफसर को मैं बधाई।